हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो अपनी जो यूनिट थी वो थी मुद्रा और बैंकिंग, और मुद्रा के बारे में अपन कल पढ़ चुके हैं। मुद्रा क्या होती है, मुद्रा के कार्य कौन कौन से होते हैं, मुद्रा का महत्व क्या है, मुद्रा का आविष्कार क्यों हुआ, ये सब मुद्रा की मांग है, मुद्रा की पूर्ति है, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जिस चैप्टर की अपन पढ़ चुके हैं। और अब उसी यूनिट में, क्योंकि यूनिट का नाम है मुद्रा और बैंकिंग, तो मुद्रा के बाद पढ़ने के बाद अपने बैंकों के बारे में पढ़ते हैं कि बैंक होता क्या है और बैंक के जो प्रकार हैं, कार्य हैं, कौन कौन से बैंक हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो अपनी जो नया टॉपिक है उसका नाम है व्यापारिक बैंक। क्या नाम है? व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक से तात्पर्य क्या है? वो बैंक जो व्यापार करे। व्यापार का मतलब क्या है? ऐसा कार्य जिसका उद्देश्य लाभ कमाना हो, वो कार्य जिसका उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना हो, उसको व्यापार बोलते हैं, है कि नहीं? व्यापार बोलते हैं जिसे मतलब भी, कोई भी कार्य होता है तो जो लेन देन का कार्य होता है और जिसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, वो व्यापार होता है। अब यहाँ पर जो व्यापारिक बैंक का मतलब वो वित्तीय संस्थाएं जो लाभ के उद्देश्य से कार्य करती हैं, धन का लेन देन करती है, मुद्रा का लेन देन करती हैं, जो संस्थाएं लाभ कमाने के उद्देश्य से, वो व्यापारिक बैंक है। सभी जो बैंक होते हैं वो व्यापारिक बैंक होते हैं एक को छोड़ करके, और वो एक कौन सा है? वो होता है एक देश का केंद्रीय बैंक, जो सबसे बड़ा बैंक है, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसको छोड़ करके बाकी जो सारे बैंक हैं वो मुद्रा का लेन देन करते हैं, और उनका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। लाभ के उद्देश्य से वो कार्य करते हैं, लाभ के उद्देश्य से जनता का जो धन है वो जमा करते हैं और विभिन्न आवश्यकताओं के लिए जनता को ऋण प्रदान करते हैं। जो धन जमा करते हैं उस पर ब्याज देते हैं, और जो धन ऋण देते हैं उस पर ब्याज लेते हैं। देने वाली ब्याज दर कम होती है और इनकी लेने वाली ब्याज दर क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ब्याज दरों का ये जो अंतर होता है वो ही इनका प्रॉफिट होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे देने वाली ब्याज दर है 10% वार्षिक और लेने वाली है 15% वार्षिक, तो जो 5% है वो वार्षिक इनका क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ये मैं ब्याज दर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो वो वित्तीय संस्थाएं जो जनता का धन जमा करती हैं तथा जनता को विभिन्न आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? व्यापारिक बैंक बोलते हैं, ठीक है? इनके मुख्यतः दो ही काम है, हालांकि ये बहुत से कार्य करते हैं परंतु प्रमुखतः इनके दो ही काम हैं। एक तो जमाए स्वीकार करना, और दूसरा है ऋण देना। जमाएं स्वीकार करना और ऋण देना। व्यापारिक बैंक जो जनता है उनकी जमाओं को विभिन्न प्रकार के खातों में जमा करती है। जो खाते हैं बैंकों के पास उनको मुख्यतः पांच भागों में अपन बांट सकते हैं। कौन कौन से खाते हैं? एक तो होता है चालू खाता, एक होता है बचत खाता, एक होता है आवर्ती खाता, एक होता है सावधि जमा खाता, एक होता है जनधन खाता। ये खाते होते हैं जिनमें व्यापारिक बैंक जनता की जमाओं को स्वीकार करते हैं। अब इन खातों के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं।
सबसे पहले बात करते हैं चालू खाता की, करंट अकाउंट बोलते हैं इसको, है ना, करंट अकाउंट। ये क्या है? तो ये खाता सामान्यतः व्यापारी जो लोग हैं ना, जो रोज़ माल बेचते हैं खरीदते हैं, उनके द्वारा खुलवाया जाता है। सामान्यतः अपने इसको बोलते हैं व्यापारी लोग या दुकानदार या उद्योगपति वगैरह, उनका खाता होता है ये चालू खाता, जिसमें डेली धन जमा भी हो सकता है, जितनी बार चाहो जमा करवा सकते हो, जितनी बार चाहो निकलवा सकते हो, वो खाता है चालू खाता। चूँकि इसमें जो जमा करवाते हैं लोग धन, उसको जब मर्जी है जितनी बार चाहे निकलवा सकते हैं, तो इसलिए व्यापारिक बैंक इस खाते में कोई भी ब्याज नहीं देता है। इवन व्यापारिक बैंक इस खाते में चार्ज और लगा सकता है, चार्ज वसूल कर सकता है अपने ग्राहक से, ठीक है। शून्य ब्याज दर या सबसे कम ब्याज वाला जो खाता होता है, या शून्य ब्याज वाला जो खाता होता है, वो चालू खाता होता है। सामान्यतः व्यापारी लोग खुलवाते हैं, जितनी बार चाहो जमा करवाओ, जितनी बार चाहो निकलवाओ, है ना। इसलिए अब देखो, व्यापारिक बैंक ब्याज कौन से खाते में देते हैं? व्यापारिक बैंक उस खाते में ब्याज देते हैं, आपको ही बताऊँ छोटी सिंपल सी बात, अपने लोकल में ही देखो आप, कि मैं आपको कोई पैसे दे रहा हूँ और मैं कल आपसे ले सकता हूँ, परसों ले सकता हूँ, कभी भी मेरी जब मर्जी है तब आपसे ले सकता हूँ, तो क्या उस कंडीशन में जब जो मैंने आपको पैसे दिए हैं, क्या आप उन्हें यूज कर सकते हो अपनी ज़रूरत के लिए? आप उन्हें यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं वो कभी भी पैसे मांग सकता हूँ, इसलिए आप उनको यूज नहीं कर पाते हो, ठीक है। यही सिस्टम चालू खाते में होता है कि लोग जो धन जमा करवाते हैं, जब मर्जी जमा करवा सकते हैं, जितनी बार चाहे निकलवा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, इसलिए इसमें कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। हाँ, अगर अवधि के लिए थोड़ा सा लंबे समय के लिए अगर ब्याज जमा करवाएं तो उसमें ब्याज मिलता है। ये तो व्यापारियों का हो गया। दूसरा है बचत खाता, जो सामान्य जनता है, वो अपनी छोटी छोटी बचतों को जमा करने के लिए, जैसे महीने के तनख्वाह मिलती है या कहीं से कमाते हैं, और उसमें से अपनी ज़रूरत को पूरा करने के बाद जो थोड़े बहुत पैसे बच गए वो खाते में जमा करवा दिए, इस प्रकार का जो खाता होता है वो बचत खाता होता है। इसमें भी क्या है, जब मर्जी है जमा करवा सकते हैं, हालांकि जब ज़रूरत हो तब निकाल भी सकते हैं, परंतु इसमें निकालने की एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक ही निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। और ये भी नहीं कितनी जितनी मर्जी हो उतनी जितनी बार निकाल सकते हैं, ऐसे भी नहीं है, ट्रांजैक्शन की एक लिमिट होती है इसमें बचत खाते में, है कि नहीं। इसमें थोड़ा बहुत ब्याज देते हैं जो व्यापारिक बैंक है, वो थोड़ा बहुत इसमें ब्याज देते हैं, ठीक है। ये आम जनता अपनी छोटी छोटी वस्तुओं को जमा करवाने के लिए खाता खोलती है। तीसरा खाता है आवर्ती खाता। ये एक तरीके से जो अपने इंश्योरेंस नहीं होता है क्या, जैसे किस्तों में चुकाते हैं अपन अमाउंट, उस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, एक फिक्स अवधि का होता है भाई, जैसे कि ये पोस्ट ऑफिस वगैरह में 100-100 रुपये महीने के जमा करवाओ, इस टाइप के आपने सुने होंगे कई बार, या अपने इंश्योरेंस की किस्त नहीं होती क्या सालाना जमा करवाओ, तो इसमें क्या होता है, जैसे 5 साल के लिए किस्त बांध ली कि भाई 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये मंथली आपको जमा करवाने हैं, निकलवा नहीं सकते, 5 साल तक जमा करवाने, 5 साल बाद में पूरे होने के बाद में बैंक जो आपका धन जमा हुआ और उसका जो ब्याज हुआ वो आपको 5 साल की अगर अवधि है या 2 साल की अवधि है तो उस 2 साल या 5 साल बाद में आपको निकलवाने की सुविधा देता है। ये क्या है कि लोगों के पास मंथली एक फिक्स अमाउंट बचता है, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो इस प्रकार खाते में जमा करवाते रहते हैं। ये है आवर्ती जमा खाता, है ना। इसमें जमा ज़रूर करवाते हैं परंतु जो अवधि होती है उससे पहले निकालते नहीं है। फिर है सावधि जमा खाता, इसको अपन बोलते हैं FD, फिक्स डिपॉजिट। सबसे अधिक ब्याज जो बैंक देते हैं वो इसमें देते हैं, किसमें, सावधि जमा खाता में, FD में। FD करवाते हैं ना बैंकों में, तो सबसे अधिक ब्याज है वो बैंक
इस एफडी पर देते हैं। एफडी का मतलब क्या हुआ कि आपने एक निश्चित रकम निश्चित अवधि के लिए जमा करवा दी, भाई 50,000 की या लाख रुपए की या 5 लाख की, 50 लाख की, 10 लाख की, कितने की एफडी करवा दी। एफडी का मतलब क्या हुआ, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 2 साल, कितने भी अवधि के फिक्स अवधि होती है जिसको आप बैंक में फॉर्म में भर सकते हैं कि यदि भी इतनी अवधि के लिए है उतनी अवधि के लिए अपने अमाउंट जमा करवा दी। अब जैसे 5 साल के लिए अपने बैंक को 50,000 रुपये या लाख रुपये मतलब एफडी करवाई है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल तक अपन वो धन निकलवा नहीं सकते बैंक से, और बैंक 5 साल तक उस धन को जैसे मर्जी है वैसे यूज कर सकता है। हाँ, अगर आपकी किसी बैंक में एफडी है तो उस एफडी की जमानत के आधार पर आप उस बैंक से लोन ले सकते हो, परंतु ध्यान ये रहे कि लोन लेने पर लोन की रकम पर जो ब्याज बैंक लेगा, जिस ब्याज दर से बैंक मतलब लोन देगा आपको, वो ब्याज दर आपकी एफडी की ब्याज दर से ज़्यादा होगी। जैसे आपको एफडी पर सपोज कीजिए 9% वार्षिक ब्याज मिल रहा है, तो जो आपको लोन लोगी अगर आप एफडी की जमानत पर, तो उस लोन की जो ब्याज दर है वो 9% से ज़्यादा होगी। ठीक है, ये होता है सावधि जमा खाता। और अभी कुछ सालों पहले ही खुला है जनधन खाता, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो है ना आम जनता, क्योंकि भारत में क्या था कि अधिकांश लोग बैंकों से व्यवहार नहीं रखते थे, अभी भी थोड़े बहुत लोग ऐसे बचे हुए हैं जो बैंकों से लेन देन नहीं रखते हैं, तो सभी लोग बैंकों से जुड़े और इसके लिए जीरो बैलेंस पर जो खाते खुलवाए गए थे जनता के, उनको बोला गया जन धन खाता, है कि नहीं, ये खाते स्टार्ट किए गए। तो इस प्रकार ये जो 5 प्रकार के खाते हो गए हैं जिनमें व्यापारिक बैंक है वो जनता की जो जमाएँ हैं वो क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो पहला काम तो हो गया जमा स्वीकार करना, दूसरा काम है ऋण देना। क्या करना, ऋण देना। तो बैंक अपने ग्राहकों को अब उनकी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए ऋण और अग्रिम प्रदान करने का भी कार्य करते हैं। अग्रिम का मतलब क्या हुआ है कि अगर आपका किसी बैंक में खाता है और खाते में जो राशि जमा है उससे अधिक राशि निकालने की सुविधा देता है अपने कई विशेष ग्राहकों को बैंक, उसको अपने बोलते हैं अग्रिम, एडवांस, है ना। जितना धन जमा है खाते में उसे ज़्यादा निकालने की सुविधा देना ही क्या कहलाता है, अग्रिम कहलाता है। तो बैंक ऋण और अग्रिम देने का कार्य भी करते हैं, और ऋण विभिन्न आवश्यकताओं के लिए देता है। जैसे अगर आप कोई व्यापार करते हो, आप घर बनाते हो, आप खेती करते हो, तो आप अलग अलग कार्यों के लिए जो बैंकों से ऋण पास है वो हो सकता है, लेकिन नहीं। सामान्यतः ये जो ऋण देने का काम है वो बैंक किस मकसद में ज़्यादा करते हैं, उत्पादन कार्य में। यदि आप बिजनेस के पर्पज से ऋण का काम कर रहे हो, ये जो ऋण दे रहे हो बैंक से, तो वो ज़्यादा जल्दी अप्रूवल होता है, तो ऋण देने का काम ये बैंक को थोड़ा होता है, ये ध्यान रखें। उत्पादन कार्यों के लिए ये ज़्यादा होता है, तो ऋण देने का काम हो गया। दूसरा एक कार्य है शाख सृजन। क्या है, शाख सृजन, एक कार्य ये है शाख सृजन। ये क्या है, ये है कि अपन लोग बैंकों में जो जमा करवाते हैं पैसा, बैंक उससे काफ़ी गुना ज़्यादा ऋण प्रदान कर देते हैं। जो धन अपन जमा करवाते हैं बैंक उससे कई गुना अधिक ऋण प्रदान कर देते हैं। जमाओं से ऋण उत्पन्न होते हैं, ऋण से जमाएं उत्पन्न होती हैं। ये इसका मतलब क्या है, आप ये देखो कि बैंक ऋण देते कहाँ से हैं, बैंकों के पास पैसा कहाँ से आता है। तो बैंकों के पास जनता का ही पैसा है जमा करवाया हुआ, और उसी में से वो क्या करते हैं, ऋण देते हैं। परंतु जमा जो धन जमा करवाते हैं अपन लोग, बैंक उससे कई गुना अधिक ऋण प्रदान कर देते हैं।
कई गुना अधिक ऋण प्रदान कर देते हैं बैंक उससे। ये सिस्टम क्या है बैंक, इसको समझ लें, बैंक अपनी जमाओं का कई गुना अधिक ऋण प्रदान करते हैं। बैंकों के इस कार्य को हम बोलते हैं साख सृजन। साख का मतलब होता है ऋण, सृजन का मतलब निर्माण, तो ऋणों का निर्माण करते हैं बैंक, है ना। तो ये काम क्या है, अब ज़रा ध्यान देना इस बात को, अपन लोग बैंकों में जो धन जमा करवाते हैं वो सारा का सारा धन अपन ये नहीं कि भाई कल ही निकलवा ले, आज जमा करवाया कल ही निकलवा ले, अपन अपने जो 100% धन जमा कर, अपना जो धन जमा करवाते हैं एक साल में लगभग उसका सपोज कीजिए 20% ही निकालते हैं, क्योंकि अपन जमा कब करवाते हैं जब अपने को ये महसूस हो कि हाँ भाई ये पैसा अभी अपने काम नहीं आने वाला है तब अपन जमा करवा दें। यह है कि भाई कोई पैसा अपने पास कर ले 5 दिन में 10 दिन में काम आएगा तो उसको अपने बैंक में जमा वैसे भी नहीं करवा रहे हैं, जमा कब करवाते हैं जब अपने को उसकी जल्दी से ज़रूरत नहीं होती है। और फिर क्या होता है कि अपना पैसा बैंकों में पड़ा रहता है लगभग, है कि नहीं, अपना पैसा बैंकों में पड़ा रहता है। अब देखो ये काम क्या होता है, ये जो सिस्टम है साख सृजन वाला, ये उस अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है, हालांकि अपने यहाँ पर भी अप्लाई होता है, परंतु इसको समझने के लिए अपने को एक ऐसी अर्थव्यवस्था का चित्रण करना पड़ेगा जिसमें सामान्य जनता बैंकों के माध्यम से ही सभी प्रकार के लेन देन करती है, क्रेडिट कार्ड वगैरह के माध्यम से खरीदने का बेच, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से खरीदना और बेचने का काम करती है। कड़े मतलब क्या हुआ, तनख्वाह आई कहाँ आई, बैंक में आई, खाते में आ गई, बैंक से कहाँ, बैंक में कहाँ पर आ गई, खाते में आ गई। अपने को बैंक कार्ड देता है खरीदने बेचने के लिए, अपन कहीं पर भी वस्तु खरीदते कार्ड स्वाइप करो पेमेंट करो तो पैसा बैंक से अपने खाते से कटता जाता है, है ना, और जो शेष बचता है अगर अपनी बचत होती है तो वो बैंक खाते में ही पड़ी रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना ये जो धन है वो बैंक में जमा हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो फुल अमाउंट की बात हो गई, अपन सामान्यतः अपने भारत जैसे देश में अपन लोग जो जमा करवाते हैं बैंकों में वो सारे खर्चे निकालने के बाद शेष बचता है वही जमा करवाते हैं और उसको अपन जल्दी से निकालते भी नहीं है, है कि नहीं। अब आप ये सोचते हो कि भाई मैंने 1000 रुपये जमा करवाए, आज जमा करवाए 5 दिन बाद निकाल लूँगा, तो केवल आप ही एक कस्टमर नहीं हो, बैंकों के पास लाखों कस्टमर होते हैं और उनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी बहुत बड़ी अमाउंट है वो बैंकों में काफ़ी टाइम तक ऐसे ही पड़ी रहती है, जमा रहती है, ठीक है। तो एक अनुभव के आधार पर ये होता है कि सपोज़ कीजिए कि लोग जो जमा करवाते हैं साल में उसका 20% ही निकालते हैं, 100 रुपये में से 20 रुपये ही बैंकों से वापस निकालते हैं, बाकी 80 रुपये बैंकों में पड़े रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 80 रुपये को जो बैंक हैं वो अपनी ज़रूरतों में काम में ले सकते हैं, अपनी ज़रूरतें मतलब इस कार्य में, किस कार्य में, ऋण देने वाले कार्य में काम में ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जमा जो धन होगा उसका 20% लोग निकालते हैं और 80% लोग ऋण दे सकते हैं, ये बैंक ऋण दे सकते हैं। तो ये जो 20% है वो क्या है, ये क्या है, इसको अपन बोलते हैं RDR, क्या बोलते हैं इसको अपन, RDR, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, क्या बोलते हैं, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, आरक्षित जमा अनुपात। ये जो दरें हैं इस RDR में, दो दरें होती हैं, एक तो होती है CRR, एक होती है SLR, CRR और SLR, ये दोनों दरें क्या है, मतलब RDR क्या है, RDR इन दो दरों का जोड़ होता है, है ना, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। यहाँ पर ये समझिए, अपन लोग जो धन जमा करवाते हैं बैंकों के पास उस धन का एक निश्चित प्रतिशत, निश्चित भाग इन बैंकों को रिजर्व बैंक के पास भेजना पड़ता है, उसे बोलते हैं CRR, इसके पास भेजना पड़ता है केंद्रीय बैंक के पास। अपन
बैंकों में जो धन जमा करवाते हैं, ये दरें अपन सब पढ़ने वाले हैं आने वाले चैप्टर में। रिजर्व बैंक का चैप्टर आएगा आगे, उसमें अपन पढ़ने वाले हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो दरें हैं, पहली बात है CRR, ये क्या है कि अपन जो धन बैंकों में जमा करवाते हैं, बैंकों के पास जो धन जमा होता है उस धन का एक निश्चित भाग बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास जमा करवाना होता है, जिसको अपन बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, अपन जो धन जमा करवाते हैं, ये जो दर है ना CRR, इसकी दर लगभग 5% के नियर अबाउट रहती है ना, कभी 5%, थोड़ा बहुत ज़्यादा 6% या 4%, 5% के आसपास रहती है इसकी दर। ठीक है, दूसरी है SLR, अपन जो धन जमा करवाते हैं उस धन का एक निश्चित प्रतिशत इन बैंकों को अपने पास नगदी रूप में रखना ज़रूरी है। मतलब जैसे सपोज कीजिए इसकी दर 20% है, किसकी दर है? SLR की। तो मैंने यदि 10,000 रुपये जमा करवाए, 10,000 का 20% मतलब 2,000 रुपये जो व्यापारिक बैंक है वो अपने पास एनी टाइम कैश में रखेगा, नगदी में रखेगा, अपने पास रखेगा। वो क्यों रखेगा? क्योंकि मैं कभी भी निकलवा सकता हूँ, एक साथ तो निकलवाऊँगा नहीं मैं सारा का सारा, मैं कभी भी निकलवा सकता हूँ। तो व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग खुद के पास नगद रूप में रखना अनिवार्य वैधानिक होता है, जिसकी दर तय कौन करता है? RBI। दोनों CRR और SLR की दरें तय कौन करता है? RBI। तो ये जो खुद के पास रखना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? SLR बोलते हैं। और इन दोनों का मिलाकर के 25% हो गया ना, ये 25% ये क्या है? RDR, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। मतलब जमाओं का वो भाग जो रिजर्व पड़ा है, अपन ने जो जमा करवाया उसका 25% बैंकों के पास रिजर्व पड़ा है, और कितना बचा? 75% बैंक क्या दे देंगे? लोन दे देंगे, ऋण दे देंगे 75%। इस CRR SLR की दर तय करता है देश का केंद्रीय बैंक। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो धन अपन जमा करवाते हैं उसका 25% 25% रिजर्व रहा और 75% लोन चला गया। अब ये जो जमा है उसे ऋण उत्पन्न हुआ, और फिर वो ऋण की रकम है वो बैंक जो ग्राहक है उसको कैश नहीं दे करके उसके खाते में जमा कर देते हैं, तो ऋण की रकम वापस क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। 75 वापस क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। 75 वापस क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। इस प्रकार से ये जमाओं से ऋण उत्पन्न हुए, ऋण से वापस जमा उत्पन्न हुई, तो ये जो कार्य है वो साख सृजन कहलाता है। मैं जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि आपके अभी पूरा ये क्लियर प्ले नहीं पड़ा है, परंतु पढ़ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, बाकी पढ़ जाएगा। मैं वापस आपको इसको रिपीट कर दूंगा। फिलहाल अपन नोट्स देखते हैं इसके। तो ये क्या है? व्यापारिक बैंक चैप्टर का नाम है, चैप्टर 18 नंबर का चैप्टर है, व्यापारिक बैंक अर्थ एवं कार्य। सबसे पहले तो इसका अर्थ देखिए, व्यापारिक बैंक वो वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो लोगों की जमाएं स्वीकार करते हैं तथा उनको विभिन्न आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान करते हैं। ये बैंक लाभ के लिए कार्य करते हैं, इनका लाभ ब्याज दर के विस्तार के रूप में होता है। ब्याज दर का विस्तार मतलब जिस दर पर ब्याज देते हैं ना वो तो कम होती है, और जिस दर पर ब्याज लेते हैं वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ये जो अंतर हो गया ना, मतलब सपोज कीजिए देने वाली दर है वो तो 10% है और लेने वाली दर है वो 15% है, तो ये जो 5% गैप आया ना, यही इनका क्या होता है? प्रॉफिट होता है। किनका? व्यापारिक बैंकों का। फिर है व्यापारिक बैंकों के कार्य कौन कौन से? सबसे पहला कार्य है जमाएं स्वीकार करना, जनता की जमाएं स्वीकार करना। तो व्यापारिक बैंकों का प्रमुख कार्य है,
ग्राहकों की जमाएं स्वीकार करना होता है। ये बैंक विभिन्न प्रकार के खातों, चालू खाता, बचत खाता, सावधि खाता, जनधन खाता आदि में लोगों की वस्तुओं को जमा करते हैं तथा उनको उचित ब्याज भी देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा कार्य यह है ऋण एवं अग्रिम प्रदान करना। तो व्यापारिक बैंकों का दूसरा जो प्रमुख कार्य है वो ग्राहकों को विभिन्न आवश्यकताओं के लिए ऋण देना होता है। ये बैंक ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए अनेक प्रकार के अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋण देते हैं, छोटी समयावधि के लिए और बड़ी समयावधि के लिए अलग अलग प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं अलग अलग ज़रूरतों के लिए। इनके ऋण उत्पादन कार्यों के लिए अधिक होते हैं, मतलब मोस्टली अपन जो व्यवसाय वगैरह कार्य है ना, व्यवसाय कार्य, बिजनेस कार्य, उनके लिए ऋण ये ज़्यादा देते हैं। ऋणों पर ब्याज की दर जमाओं की ब्याज दर से अधिक होती है, मतलब व्यापारिक बैंक जो ऋण देते हैं उन पर जिस दर से ब्याज लेते हैं ना, वो दर अधिक होती है। किससे? अपन जो धन जमा करवाते हैं उस पर जो ब्याज दर देते हैं उससे। व्यापारिक बैंक अपने कुछ ग्राहकों को उनके खाते में उपलब्ध राशि से अधिक राशि निकालने की सुविधा भी देते हैं, जिसे बैंक अधिविकर्ष यानी अग्रिम कहते हैं, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। अधिविकर्ष मतलब जो धन जमा है उस जमा धन से अधिक धन निकालने की सुविधा प्रदान करते हैं, वो ही क्या कहलाता है, अधिविकर्ष यानी अग्रिम कहलाता है। क्यों? तो ये दो कार्य तो प्रमुख हो गए। अब इसके अलावा तीसरा जो कार्य है वो है साख सृजन, साख निर्माण। साख का मतलब होता है ऋण, तो व्यापारिक बैंक है वो ऋणों का निर्माण भी करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, व्यापारिक बैंक साख सृजन का प्रमुख कार्य भी करते हैं। ये बैंक अपनी जमाओं से कई गुना अधिक ऋण प्रदान करते हैं, मतलब जो धन जमा होता है उससे कई गुना अधिक ऋण प्रदान करते हैं। तो आप सोच रहे हो कि कई गुना अधिक कहाँ से देंगे, जो धन जमा है उससे कई गुना अधिक कहाँ से देंगे, तो ये कहाँ से देते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लोगों का जो धन जमा होता है लोग एक साथ वो सारा नहीं निकालते हैं, एक ये रेशियो होता है कि भाई 20% लोग, मतलब जो धन जमा होता है उसका 20% अगर निकालते हैं वार्षिक, तो उसका मतलब ये हुआ कि 80% जो है ऋण है वो राशि है वो बैंक लोन दे सकता है, और लोन जो दिया है वो भी बैंक के पास ही रहता है क्योंकि उस ग्राहक के खाते में उस वो भी एक तरीके से क्या हो गई है, बैंकों के पास जमा हो गई है, और उसका 20% छोड़ करके शेष वापस किसी अन्य ग्राहक को ऋण प्रदान कर देते हैं। ये क्रिया चलती रहती है और इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, साख सृजन कहते हैं। तो बैंकों की साख सृजन क्षमता है वो साख गुणक पर निर्भर करती है। साख गुणक कौन सा, अभी जो RDR बताया था आपको वो उससे तय होता है साख गुणक, जो इनके बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको। और साख गुणक का मान केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित आरक्षित जमा अनुपात यानी RDR की दर पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये साख गुणक क्या होता है, साख सृजन का कार्य क्या होता है, मैं इसको वापस थोड़ी डिटेल में समझाऊंगा आपको आगे वाली क्लास में। फिलहाल तो मैं आपको आज इतना ही करवा रहा हूँ और मैं इसकी नोट्स की कॉपी लगा रहा हूँ, इसको आप देख लेना। अभी आज की क्लास अपन ख़त्म करते हैं।